हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लास्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, IRCTC से किसी और का टिकट अगर आप बुक करते हैं तो क्या आपको जेल हो सकती है? क्या धारा 143 आपके ऊपर लगाई जा सकती है? दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ने से पहले प्यार भर रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक सवाल आपके मन में सबसे ज़्यादा उठता है और एक सवाल कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सर, मेरी IRCTC ID है, खुद की ID है, मैं क्या अपने छोटे भाई का टिकट बुक कर सकता हूँ, या क्या अपने बड़े भाई का टिकट बुक कर सकता हूँ, या क्या मैं अपने दोस्तों का टिकट बुक कर सकता हूँ, या क्या रिलेशन वालों का टिकट बुक कर सकता हूँ? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही है। अगर आप IRCTC की ID यूज़ कर रहे हैं और किसी और का टिकट बुक कर रहे हैं, अगर वो तत्काल टिकट है या नॉर्मल टिकट है, तो आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। शर्त बस इतनी है कि आप नॉर्मल टिकट बना रहे हैं चाहे तत्काल टिकट बना रहे हैं, उसको आपको सेल नहीं करना है। अगर सेल करते हुए पकड़े जाते हैं, पुलिस को पता चल जाता है, RPF को पता चल जाता है, रेलवे को पता चल जाता है कि आप IRCTC पर्सनल ID से टिकट को सेल कर रहे हैं, तो आप पकड़े जाएंगे, धारा 143 लग जाएगी और जेल हो जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है और किसके ऊपर धारा 143 लगती है और ज़्यादा खतरा होता है, तो उन लोगों के ऊपर ज़्यादा खतरा होता है जो लोग साइबर कैफ़े चला रहे हैं या ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं, वो IRCTC की एजेंटशिप लिए हुए हैं पहले से, लेकिन तत्काल टिकट के चक्कर में IRCTC पर्सनल ID पर जा करके तत्काल टिकट क्रिएट करके उसको सेल करते हैं। तो IRCTC ने शर्त बस इतनी रखी है कि अगर आप IRCTC का पर्सनल अकाउंट यूज़ करते हैं और उसके ऊपर किसी और का टिकट बुक करके उसको सेल करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है, आपके ऊपर धारा 143 लग जाएगी और आपको जेल भी हो सकती है। तो यहाँ पर बात आती है एजेंट की। एजेंट लोग ज़्यादातर इसलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल होते हैं और तत्काल टिकट के चक्कर में वो लोग पर्सनल ID पर टिकट क्रिएट करके सेल करते हैं। दोस्तों, आप भी ऐसा काम कभी मत करिएगा, अगर फंसेंगे तो आपको जेल हो जाएगी। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।